भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे के लिए आए हैं। उन्होंने बिलासपुर की धरती से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद, भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने के सुक्खू सरकार के फैसले को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति बदल दी है, वो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को सामने लेकर आए हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सुक्खू सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है, जो टॉयलेट सीट तक पर टैक्स लगाया है। प्रदेश में सुक्खू पहले ऐसे सीएम है जिनके समय में कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर सैलरी नहीं मिली। साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको ग्रीन से, चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया, गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे, दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे, पहनों को 1500-1500 रुपए देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ